हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर। तो दोस्तों, हमने सिंपल क्वेश्चंस भी देख लिए, एडवांस क्वेश्चंस भी देख लिए इंटरव्यू के लिए। तो अब हमें देखना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं उस पर यह पूरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट है तो आपको काम लग सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब क्या प्रैक्टिकल के लिए पूछ सकता है, वो आपका जो वो नॉलेज परस्यू करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। तो वो आपको उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो आपको नाप लेगा। मतलब ऐसे सिंपल वर्ड में बोले कि वो आपको नाप लेगा जब वो आपका इंटरव्यू लेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो अपने हिसाब से पूछ सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे स्पेसिफिक आते हैं, लेकिन फिर भी हमने लिस्ट बनाया है, डोंट वरी। तो मेरे एरिया में जो कंपनीज है, कोई भी समझ लो वेब डेवलपमेंट के लिए, एंड्रॉयड के लिए कि और कोई भी के लिए, तो वो लोग ऑलमोस्ट ऐसा करते हैं कि पहले उसका बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनको हम इंटर्नशिप के लिए देते हैं, ठीक है। 2-3 महीना ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उसका वर्क स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे होता है ज़्यादातर कंपनियों में। बोलते हैं कि इंटरव्यू है, बहुत बड़ी चीज़ लगती है, लोगों को जाते हैं तो कुछ नहीं पूछते, सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज होता है तो उसको रख लेते हैं, क्योंकि फिर तो उसको ट्रेनिंग देनी ही है, और जैसी ट्रेनिंग मिल जाएगी फिर तो वो बंदा या बंदी काम करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे एरिया में ही है, कहीं और एरिया में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मुझे दूसरे एरिया का कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे एरिया में ऐसा चलता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आज हम 5 ऐसे प्रोजेक्ट समझ लो, या तो टास्क समझ लो, या तो जो भी आप समझ लो, ये सब आपको मिल सकता है, वो मैं आपके लिए लिस्ट बना के लाया हूँ। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास ये सारे प्रोजेक्ट है तो आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला है वो है API कॉलिंग। तो आपको पता ही होगा, अगर एडवांस या बेसिक कुछ भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं API कॉलिंग हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्यों करते हैं, तो आपको कोई रखेगा ही क्यों। तो आपको API कॉलिंग तो आनी ही चाहिए। YouTube पे बहुत ट्यूटोरियल्स हैं, हमारे भी पास ट्यूटोरियल्स है वोली रेट्रोफिट में, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो API कॉलिंग क्या होती है। तो वो आपको देंगे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स API, सिंपल नहीं होगी, याद रखना। और वो लोग आपको बोलेंगे कि इस API को विजुलाइज कर दो, मतलब कि उसके डेटा विजुलाइज फॉर्मेट में प्रिंट कर दो। तो जो भी होगा वो आपको प्रिंट करना रहेगा। फिर दूसरा पूछ सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो वो हमने बताया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है अगले पार्ट में, जहाँ पे हमने एडवांस क्वेश्चंस बात की थी। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल के लिए क्या बना सकते हो, एक फायरबेस का डेमो बना दो। अगर वो बोलता है कि मुझे सिर्फ देखना है कि प्रैक्टिकल में कैसे तुम बना सकते हो, तो फायरबेस का डेमो बना दो। उसमें जो हमारा इंस्टेंस बनता है, फायरबेस फायरस्टोर गेट इंस्टेंस, तो वो इंस्टेंस आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से बहुत इजीली बना सकते हो। तो वो बना के उसको बता दो कि इसकी मदद से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वेरी इजी टू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा। और तीसरा है रेट्रोफिट बोल सकते हैं वो लोग आपको MVVM से। अगर आपको आपको API कॉलिंग आ गया, मतलब उसने आपको API कॉलिंग दिया और आपने वोली से करके दे दिया, तो वहाँ पे आपकी एक इंप्रेशन बेड होती है, क्या ये बंदा वोली यूज़ करता है। तो वोली में तो क्या है, बहुत इजी पैटर्न है। आपको अगर वो आपको API कॉलिंग देता भी है, सिंपल API होती है कि कॉम्प्लेक्स होती है, रेट्रोफिट से करोगे तो काम ही खत्म है। तो रेट्रोफिट MVVM आपको दे सकता है, बोलेगा कि रेट्रोफिट बना दो MVVM की मदद से। तो आपको एक मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा, व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा, फिर मेन एक्टिविटी में जाके आप वहाँ से डेटा कॉल कर सकते हो और एक पूरी MVVM पैटर्न पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको MVVM पैटर्न से प्रोजेक्ट बनाने नहीं आते, तो हमारा जो नोट्स ऐप वाला सीरीज था वो पूरा MVVM की मदद से बना है, और उसमें मैंने पूरा MVVM समझाया है। तो अगर आपको वो देखना है तो आपको ऊपर कहीं पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और चौथा हमारा पॉइंट है कि सिंपल ई-कॉमर्स ऐप आपको मिल सकता है, कि आप ई-कॉमर्स ऐप बना के दिखाओ। पुराने ही बनाने बोलेगा कोई Amazon Flipkart, क्योंकि इतने टाइम में कितना ही बनता है, ठीक है। तो आपको एक ई-कॉमर्स का कॉन्सेप्ट रेडी करना है कि ये प्रोडक्ट लिस्टिंग है, प्रोडक्ट का कार्ट में जाना, कार्ट से ऑर्डर में जाना, प्रोफाइल में दिखाना, फिर ऑर्डर कंफर्म होना, बस ऐसी 4-5 चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आप वो भी बना के दे सकते हो ईजिली, अगर आपने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस की हुई है तो। और 5वां है हमारा लास्ट, जिसमें मैं बता सकता हूँ
कि वो आपको पूछ सकते हैं फायरबेस चैट कंसेप्ट। तो चैट ऐप हमने जो बनाया है आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो वैसे टाइप का पूरा चैट ऐप नहीं बनाना बोलेंगे क्योंकि वो तो बहुत टाइम लग जाता है बनाने में। तो आपको बोल सकते हैं कि एक छोटा सा कंसेप्ट समझाओ, मतलब कि जो चैट होती है ना वो स्क्रीन ही बता दो कि वो कैसे बनता है। तो आप वो पूरा फायरबेस में डेटाबेस स्टोर करते हो, डेटाबेस सेटअप करते हो, सारी चीज़ करके ना आप उसको बता सकते हो कि ऐसे चैट का कंसेप्ट वर्क करता है और आप वो पूरा बना के दे सकते हो। तो ये थे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस, ऐसे आपको पूछा जा सकता है। और ये मैं नहीं बोलता गारंटी के साथ कि यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि गारंटी तो जिंदगी भी नहीं है, तो इंटरव्यू के क्वेश्चन की कहाँ से होगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप और भी कई जगह पे प्रेफर कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पांच में से ही आएंगे, लेकिन ये पांच मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये इसको मेंशन कर दिया। अगर आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं।